हेलो दोस्तों, पवित्र जन्माष्टमी के ढेर सारे शुभकामनाएं। आप सभी को स्वागत है स्मृतिस किचन पर। इस जन्माष्टमी के अवसर पर स्मृतिस किचन ने आज बनाया है रबड़ी, जो कि दूध से बनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही प्रिय होता है। आप चाहे तो ऐसे बना के अब बाल गोपाल को भोग लगा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह लच्छेदार रबड़ी बनाने के लिए मेरे वीडियो को आप एंड तक देखते रहें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं रबड़ी। तो रबड़ी बनाने के लिए पहले गैस स्टोव ऑन करके कढ़ाई चढ़ा लीजिए और इसमें 1 लीटर का दूध ले लीजिए और दूध को एक उबल आने तक हाई फ्लेम में बॉईल करिए। ये एक बॉईल आने को है और ऊपर आप देख सकते हो क्रीम फर्मेंट हो गया है। तो इसी क्रीम को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे मिल्क के साथ। ये देखिए, अच्छे से आपको मिक्स करना है ताकि जो मिल्क है कढ़ाई में ना चिपके। और फिर इसको मीडियम हाई फ्लेम करके दूध को बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। फिर जब दूध बॉयल होके उसके ऊपर क्रीम फॉर्मेशन हो जाए, फिर से क्या करना है, उसको मिला के जो क्रीम है उसको दूध के साथ मिलाना है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को आपको रिपीट करना है तब तक जब तक जो मिल्क है वो ओरिजिनल वॉल्यूम से 1/3 ना हो जाए। तब तक आपको इसको इसी प्रोसेस को चालू रखना है। ये देखिए, हमारा मिल्क अभी रिड्यूस हो गया है, जितना था कम हो गया है, ये 1/3 पोर्शन हो गया है। ठीक है, उसको अच्छी तरह से चलाते रहे ताकि नीचे ना चिपके। इसी के साथ हम यहाँ पे डालेंगे शुगर। यहाँ पे मैंने शुगर फ्री पाउडर यूज किया है। मैं यहाँ पे 2 छोटे चम्मच शुगर फ्री पाउडर यूज करी हूँ क्योंकि मुझे रबड़ी में ज़्यादा मिठास पसंद नहीं है, क्योंकि रबड़ी का एक अपना एक मिठास रहता है। ठीक है, अगर आप मार्केट जैसा एकदम मीठा सा टेस्ट आप चाहते हो तो फिर आप स्वाद अनुसार आप शुगर डाल सकते हो। और शुगर डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देखेंगे जब शुगर डालोगे उसके बाद ये ज़्यादा थिक होना शुरू हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हमको कंटिन्यू करना है, जो कि क्रीम फॉर्मेशन हो जाए और वो जो क्रीम को दूध के साथ मिला लेना है। अभी क्या करना है, हम सैफ्रन का स्ट्रैंड्स डालेंगे ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और एक अट्रैक्टिव कलर आ जाए। यहाँ पे आप कलर अच्छा सा एक कलर आने के लिए आप फूड कलर भी डाल सकते हो, येलो कलर का फूड कलर आप डाल सकते हो, पर मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे जो कलर है वो केसर से ही मिले। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच कैश्यू एंड आलमंड का पाउडर। इस पाउडर को डालने से रबड़ी जो है दानेदार लगता है खाने में और इसका जो स्वाद है वो बहुत अच्छा लगता है। इसका जो टेस्ट है ना वो एनहांस हो जाता है। फिर हम क्या करेंगे, सारे चीज़ को अच्छे से मिला लेंगे। आपको अगर इलायची का टेस्ट अच्छा लगता है तो फिर इलायची का पाउडर आप यहाँ पे डाल सकते हो इसी मोमेंट पर। मैं यहाँ पे नहीं डाली हूँ। ठीक है, सारी चीज को अच्छे से हम मिला लेंगे और इसको अच्छे से कुक करेंगे तब तक जब तक ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए। इसका जो कंसिस्टेंसी है
अब आपके हिसाब से थिक और थिन कर सकते हैं। आपको अगर पतला चाहिए तो पतला रखिए, पर यहाँ पे मुझे थोड़ा थिक चाहिए, मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसको थिक करूँगी थोड़ा। दोस्तों इस रबड़ी को ना आप 7-8 दिन के लिए अब रख सकते हो फ्रिज में, अचानक मेहमान आ जाने पर आप उनको सर्व भी कर सकते हैं। ये सारे प्रोसेस आप मीडियम फ्लेम में करिए, क्योंकि हाई फ्लेम में अगर करोगे तो साइड में आप देख रहे हो जो लगा हुआ है क्रीम वो जल जाएगा, तो इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो साइड में जितने भी क्रीम है उसको लाके फिर मिल्क के साथ मिलाना है, यही प्रोसेस है इसका, ठीक है। बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में मुझे चाहिए, तो ये जब कूल हो जाएगा तो और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल ठंडा कर लिया है मैंने गैस ऑफ करके, बिल्कुल कूल होने के बाद ही, रूम टेम्परेचर में आ जाने के बाद ही मैं आपको दिखा रही हूँ इसका कंसिस्टेंसी। आप देख सकते हो कितना लच्छेदार और बढ़िया दिख रहा है, बहुत मज़ेदार है इसका टेस्ट। तो चलिए सर्व कर लेते हैं इसको क्ले पॉट में। तो ऐसा कुछ आपके पास होगा तो क्ले पॉट उसी में आप सर्व करिए, तो ये बिल्कुल बहुत सुंदर लगता है। ये मेरे पास एक टाइप का पॉट रखा हुआ था, ये एक दूसरा टाइप का है, ये बिल्कुल मिट्टी का है, तो मिट्टी के हंडी में इसका जो स्वाद है ना और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे सर्व करिए, और मैं यहाँ पे डेकोरेट कर रही हूँ इसको आलमंड और पिस्ता के साथ, ठीक है। आप चाहे तो आलमंड और पिस्ता को क्रश करके भी इसके ऊपर आप डाल सकते हो, और इसको तो और थोड़ा अच्छा लुक्स देने के लिए मैंने यहाँ पे केसर का कुछ स्ट्रैंड्स को दूध में मिला के रखा था, तो इसको थोड़ा मैं इसके ऊपर डालूँगी ताकि इसका जो कलर है वो बहुत अच्छा हो जाए, बहुत खूबसूरत दिखे। ये देखिए कितना सुंदर, कितना खूबसूरत दिख रहा है। मैंने ना इसको फ्रिज में रख दिया था, ठीक है, सेट होने के लिए। आप देखोगे अभी मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए ये बिल्कुल सेट हो गया है, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। तो इसको ऐसे कूल कूल खाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप चाहे तो इसको रूम टेम्परेचर में भी खा सकते हो। कैसा लगा वीडियो? बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।